ऑनेस्टली मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी कि मैं कभी कैमरा के इस तरफ होंगी इस तरह के इवेंट पर. कॉलेज में हम हमेशा उस तरफ पे रहे हैं, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुकेश ने हमें ये मौका दिया. ऑल्सो बिकॉज यू फील लाइक यू नो व्हेन आई वाज इन कॉलेज हमें ये मौका इतना मिला नहीं था. पहली बात तो मैं बैंगलोर से थी तो उधर एक्सपोजर पहले कम था, अब तो थिएटर बहुत बड़ा है उधर. बट इट्स पीपल लाइक मुकेश जो टैलेंट को एक मौका देना चाहते हैं, एक तरह की एक सीढ़ी बन जाती है आपके लिए जिससे आप आगे बढ़ सके अपने करियर में. एंड इट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ टैबू टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और बी पार्ट ऑफ थिएटर. पहले कहते थे अरे कुछ नहीं आता है थिएटर में एक्टिंग करते हैं, आगे क्या करना चाहते हो. एंड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट थिएटर एंड मूवीज पीपल रियली लुक अप टू यू. सो आई फील लाइक मुकेश जैसे लोग हैं जो हमें इतना प्राउड फील कराते हैं कि हम इस फील्ड का हिस्सा हैं. कॉलेज में एक्चुअली मैं एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्ट करती थी प्लेस को. तो चाहे वो स्कूल में था, मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे सीनियर्स का एक फेयरवेल था एंड हमने देवदास पे एक स्पूफ किया था. तो वो एक बहुत बड़ी बात थी एट दैट पॉइंट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डायरेक्टेड समथिंग एंड इट वाज हिलेरियस. सो आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट. मुझे हमेशा लगता था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी या उस तरह से कुछ किसी तरह से जुड़ूंगी इंडस्ट्री से, नॉट एज एन एक्टर. बट पापा ने मुझे कह दिया बेटा फोटोग्राफी का कोर्स बहुत महंगा है, खुद पैसे कमाओ खुद कर लो. ये बोला गया था मुझे. ऑब्वियसली बिलोंग टू अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली. बट व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग माय सेकंड फिल्म इन कनाडा, मैं मुझे याद है मैं मलेशिया गई थी और मैंने एक चीज़ खरीदी थी अपने लिए, वो था एक DSLR. एंड नाउ माई ब्रदर इज़ टेकन इट फॉरवर्ड एंड ही इज़ यूजिंग इट. वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो थिएटर का बहुत बड़ा हिस्सा है बैंगलोर में. तो आई फील वेरी प्राउड जस्ट बींग हियर. बहुत फ़र्क है. आई थिंक थिएटर इज़ फार मोर चैलेंजिंग. आपका आप कुछ भी कहो, एटलीस्ट मूवीज़ में हमें एक मौका मिलता है रीटेक करने का. मूवीज़ में ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एक मोमेंट, आप थिएटर में एक स्टोरी को एक टाइम पे लिव कर रहे हैं एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर इमोशंस. सिनेमा में ये होता है कि कट होने के बाद यू हैव टू पिक इट अप फ्रॉम देयर इटसेल्फ. सो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत चैलेंजिंग है. थिएटर में आपको एक मेमोरी पावर की ज़रूरत है, आपको एक स्टेज प्रेजेंस की ज़रूरत है. You have to connect with the audiences without the help of any other person. So I feel like that is more challenging in theatre. और cinema में challenging ये होता है कि आपको अपना एक momentum बना के रखना होता है. Plus it's very difficult to break emotions there. Okay, और कुछ upcoming budget से आप share करना चाहेंगे? मैं कर चुकी हूँ अपनी next movie sign, लेकिन मैं बहुत superstitious हो गई हूँ. So I have just left it to the producers. बहुत सिंपल एक्चुअली, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी थिंग आई प्लेड. चाहे वो मेरी साउथ की मूवीज थी, यहाँ पर तो एक ही फिल्म हुई है अभी और दूसरी रिलीज भी नहीं हुई है, तो कहना मुश्किल है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का वैरायटी आ रहा है. आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद अ स्क्रिप्ट लाइक दिस. सो व्हेन आई फर्स्ट रेड इट मुझे पता था कि मैं इसको जस्टिस कर पाऊंगी, तो मैं बहुत खुश हूँ प्रोजेक्ट से जुड़ कर. मुझे होली की सबसे प्यारी बात भांग लगती है. जस्ट किडिंग. बट रंगों से बहुत प्यार है मुझे. एज यू कैन सी आई एम लाइक ऑल रेड टुडे. मुझे रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आई थिंक दैट समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. मुझे गीली होली नहीं पसंद, मुझे रंग बहुत पसंद है. अ डेंजरस प्लेटफॉर्म. आई थिंक anything connected with technology is dangerous nowadays. It's not just social media, anything connected with technology. But unfortunately ab hamari zindagi technology pe aake ruk chuki hai, usse aage kab jayenge pata nahi. And how you see 8th March is International Women's Day, how you are celebrating it, can you tell us about how much is important in women's day? It's a very important day for me for two reasons. Ek to mere bade papa ka birthday hota hai, dusra I think वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ऑफकोर्स इट्स अ रिमाइंडर फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दैट वुमेन हैव अ पावर. बट आई थिंक एज वुमेन फॉर अस एवरी डे इज़ वुमेंस डे एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन आरसेल्व्स. तो हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, ये दिन उन लोगों के लिए उनको याद दिलाने के लिए कि हम भी हैं, लेकिन हमें याद है कि हम हैं. थैंक यू सो मच.